और वे स्वयं ही आए इस जगत में भगवान गौरांग के रूप में भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति का प्रकार बताने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और कीर्तन का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्त को किस तरह किस भाव में कीर्तन करना चाहिए, वे स्वयं बताए। अपने भक्तों द्वारा भगवान ने बहुत प्रचार किया है। वास्तव में यह स्कान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं यह मूवमेंट आज से 500 वर्ष पहले चालू किया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और यह बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग उसी आंदोलन में उसी परंपरा में हैं। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने फिर पल्लवित किया, आगे बढ़ाया। तो स्वयं भगवान इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मार्गदर्शक हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले उन्होंने भगवत गीता दिया, कृष्ण भावनामृत का बिल्कुल शुरुआत अपने स्वरूप से उन्होंने किया, और इस कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले भगवान स्वयं वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसके बाद बहुत से आचार्य हुए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी के अनेक वरिष्ठ शिष्य सारे दुनिया में भरे हुए हैं। ये प्रभुपाद जी के परफेक्ट गाइडेंस में, उनकी शिक्षा के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा अवसर पा करके यदि हम चूक जाएंगे तो ये हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इसको आरूढ़ च्युत कहा जाएगा कि हम अच्छा अवसर पा करके भी भवसागर से नहीं तरे, भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुंच गए, यह दुर्भाग्य है। तो इस अपने लक्ष्य को स्थिर कर लेना चाहिए, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए भक्ति में। भक्ति में मुख्य है भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद।